या दोस्तों वर्ल्ड कप का 15 जून को मुकाबला दोस्तों कनाडा वर्सेस इंडिया के बीच खेला जाएगा फ्लोरिडा में दोस्तों। इस मैच में दोस्तों कनाडा के कौन से वो 3 सितारे होने वाले हैं दोस्तों और कौन से चेंजेस इंडिया की टीम की तरफ से होने वाले दोस्तों। क्या एक तरफा मैच कब जाएगा दोस्तों, क्या 9 खिलाड़ी हो सकते हैं, क्या 10 के 10 खिलाड़ी इंडिया की टीम में रखने वाले, ग्रैंड लीग का समीकरण कुछ अलग बनने वाला है दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। साथ ही पिच रिपोर्ट कैसी रहेगी फ्लोरिडा की दोस्तों, अभी तक आपने देखे इंडिया के सारे मुकाबले न्यूयॉर्क के ग्राउंड पर खेले गए, परंतु इस मैच में क्या रहने वाला है दोस्तों बात करेंगे। रैन के चांसेस की अगर बात करें तो दोस्तों 30% चांसेस है रैन के दोस्तों। अगर रैन के चांसेस अगर और ज़्यादा बढ़ते हैं दोस्तों तो स्विंगर कंडीशंस आ सकती हैं पिच पे, इस बात को ध्यान में रखना, अन्यथा स्पिन बॉलर्स इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं दोस्तों। 2 इंडिया के, 1 आपकी तरफ से कनाडा की तरफ से, 3 स्पिनर्स में आपको ऐसे बताने वाला हूँ जिनके ऊपर किसी की निगाह नहीं होने और किस कंडीशन में उनको लेना है ग्रैंड लीग की टीम में, आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। उससे पहले हम थोड़े से रिकॉर्ड्स देख लेते हैं, पिच के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे फैंटेसी की टीम की तरफ। आपको ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशन देने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो को। अगर आप अंत तक देख लेते हो तो मैं वादा करके जाता हूँ उसका सबूत आप टेलीग्राम पर देख सकते हो, जाके लिंक पड़ा हुआ वहाँ पर देख लो, अगर हमारी शानदार विनिंग चल रही है देख सकते हो। तो अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया, समझ लिया चीज़ों को, एक एक चीज़ को नोट कर लिया, तो मैं वादा करके जाता हूँ आपको 80 से 90% अच्छा परफॉर्मेंस करोगे डेली से। तो दोस्तों स्पिन डेथ ओवर्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे पेसर्स, वो चाहे पेसर्स किसी भी टीम के हों दोस्तों, वो मैं आपको आगे समझा दूँगा। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। टोटल इस ग्राउंड पर 15 मुकाबले खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट बॉल 11 जीती है, बैटिंग सेकंड बॉल 4 जीती है। एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट बैट करते हुए दोस्तों 167 दोस्तों। वेस्ट इंडीज ने हाईएस्ट टोटल 245 बनाया है 6 विकेट पर, न्यूजीलैंड 81 पर ढेर भी हो चुकी है दोस्तों। अब आपसे क्या समझ में आ रहा है, इस पिच कैसी बिहेव कर सकती, 245 रन भी बना है और न्यूजीलैंड जैसी टीम 81 पर ढेर भी हो गई दोस्तों। स्कोरिंग पैटर्न्स की अगर बात करें तो दोस्तों 150 3 बार है और 150 से 169 3 बार है, स्कोर 170 से 189 6 बार है, एबव स्कोर 190 3 बार है। तो रन भी बरसते हैं, विकेट भी गिरते हैं, परंतु कौन कब लेगा दोस्तों, ये काफ़ी असमंजस की स्थिति होगी, वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों अभी आगे इस वीडियो में। 4 मैचेस की अगर बात करें, इस साल तो कोई मैचेस हुआ नहीं, उससे पहले जो मैचेस हुए उनकी हम बात करें तो दोस्तों कैसा रही है इस पिच का बिहेव कैसा रहा है दोस्तों, देख सकते हो। इंडिया वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला हुआ 13 अगस्त को, 165 रन यहां पर इंडिया ने बनाए और वेस्ट इंडीज़ ने 171 ही बना पाए दोस्तों और जीत दर्ज कर ली दोस्तों। स्पिनर्स को 3 और पेसर्स को 7 विकेट मिलते हुए दिखाई दिए। वेस्ट इंडीज और इंडिया का एक और मुकाबला हुआ जिसमें पेसर्स ने 5 विकेट और स्पिनर्स ने 4 विकेट दोस्तों। इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक और मुकाबला हुआ दोस्तों 2022 को, जहाँ यहाँ पर स्पिनर्स को 5 विकेट और 9 विकेट दोस्तों यहाँ पर आपके पेसर्स को मिलते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। यहीं अगर स्पिनर्स और इसकी बात करो, 10 विकेट स्पिनर्स को मिले दोस्तों, 100 देख सकते हो वेस्ट इंडीज 100 पर ढेर हो गई और 7 विकेट इंडिया के 188 पर ढेर ही मान लीजिए इंडिया को भी दोस्तों, तो 100 रन 10 और 1 11 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिले हैं दोस्तों। तो किस तरीके से आपको स्पिनर्स चूज करने हैं अभी आपको मैं बता रहा हूँ। प्लेइंग 11 की बात करें, चेंजेस आपको इंडिया की तरफ से देखने वाले मिल सकते हैं, वो क्यों दोस्तों, क्योंकि ये इंडिया के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट मुकाबला होने वाली, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो शायद है कि एक दो चेंजेस आपको दिख सकते हैं। कुलदीप यादव आपको दिख सकते हैं सिराज की जगह, क्योंकि सिराज ने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया नहीं, न्यूयॉर्क जैसी पिच पर भी उनके हाथ विकेट नहीं लगे, तो आपको कुलदीप यादव दिख सकते हैं दोस्तों। अगर मुझे नहीं लगता कर रविंद्र जडेजा को हटाया जाएगा, रविंद्र जडेजा आपको खेलते हुए देखेंगे। शिवम दुबे की जगह आपको शायद है कोई चेंजेस दिखे, वैसे चेंजेस मुश्किल नहीं है, एक ही चेंजेस अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मोहम्मद सिराज का दिखेगा दोस्तों। दोस्तों यहां से आपको 4 जो प्लेयर्स दिख रहे हैं, इनको ये चारों को चारों आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, परंतु ये इम्पोर्टेंट होने वाले हैं किस में, अगर पहले इंडिया खेलती है वो किस कंडीशन में दोस्तों, अगर पहले खेलती है परंतु ग्रैंड लीग में ये चारों आपके लिए
धोखा भी साबित कर सकते। इन चारों में से कोई तीन ही चलने वाले हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए। चांसेस किसके ज्यादा हैं दोस्तों, रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, विराट कोहली के पूरे पूरे चांसेस है। अगर पहली इनिंग में सेकेंड इनिंग में अगर इंडिया बैट करती है तो इतना मौका नहीं मिलेगा विराट कोहली को, तो उसी हिसाब से लीजिए। अगर फर्स्ट बैट करती है तो इंडिया की तरफ से बड़ा स्कोर दिखाया जाए। रिसेंट स्कोर आप देख सकते हो, 42 शानदार प्रदर्शन चला सूर्य कुमार यादव की बल्ला चला रोहित शर्मा दोस्तों, आपके लिए हिस एंड मिस टाइप के प्लेयर कल बन सकते हैं शुरुआती अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। शिवम दुबे की बात करें तो दोस्तों हार्दिक पांड्या आपको पूरे चार ओवर देने वाले हैं, और ग्रांड लीग एक आठ टीम में आप शिवम दुबे को ट्राई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। रविंद्र जडेजा दोस्तों, रविंद्र जडेजा आपके लिए काफ़ी कम सेलिंग होने वाली है दोस्तों, और ये आपके लिए ट्रंप का काम करेंगे कल दोस्तों। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, अभी आपको कैसे लेना है वो कॉम्बिनेशन आपको समझ जाएगा, परंतु अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोस्तों आपके लिए मस्ट अप पिक रहने वाले हैं दोस्तों। रविंद्र जडेजा मात्र और मात्र 10 से 15-20% लोगों के पास होंगे, आप एक तरफा ले सकते हो। लास्ट मैच में बॉलिंग किसने कब की है दोस्तों आप देख सकते हो, एक पहला ओवर डाला, अर्थी में तीसरा डाला, 15वां डाला, 18वां डाला, दूसरे मैच में पहला डाला, 12वां डाला, 14वां डाला और 20वां डाला। एमडी सिराज की हम बात नहीं करेंगे, मुश्किल खेलता हुआ दिख रहा है, आप देख सकते हो किस तरीके। जसप्रीत बुमराह 5वां, 7वां, 16वां, 19वां दोस्तों डेथ ओवर्स में मस्ट अप एक। हार्दिक पांड्या भी 4 ओवर डाल रहे हैं, अक्षर पटेल भी आपको 3 ओवर डाले पहले मैच में और दूसरे में 2 ओवर डाले, इस मैच में शायद है 4 ओवर डालते हुए दिखेंगे दोस्तों। पहले में दोस्तों रविंद्र जडेजा ने एक भी नहीं डाला, दूसरे में 2 ओवर डाले दोस्तों, 8वां और 10वां। रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल आपको पूरे पूरे ओवर शायद है डालते हुए दिख जाएं दोस्तों। कनाडा के प्लेयर्स कौन से लेने हो, कनाडा में एक दो चांसेस हो सकते हैं, अन्यथा यही आपको प्लेइंग 11 देख लो। एरन जॉन्स जो पिछले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन रहा था, एरन जॉन्स की अगर हम बात करें दोस्तों आपके लिए शानदार इनकी फॉर्म है, परंतु ये इस मैच में फ्लॉप होने वाले हैं मेरा ऐसा मानना है दोस्तों। मेरी प्रिडिक्शन यही कहती है कि एरन जॉन्स इस मैच में फ्लॉप होने वाले। निकोलस क्रिटन दोस्तों और नवनीत दलिवाल और प्रगति सिंह दोस्तों ये काफ़ी नीचे आएंगे दोस्तों, अगर कॉलैप्स होती तो ये भी ख़त्म ही मान लीजिए आप प्रगति सिंह को। अगर इनमें से कोई बैट्समैन चल सकता है दोस्तों, दो ही बैट्समैन हैं दोस्तों, उसमें से भी ज़्यादा चांसेस हैं क्रिटन दोस्तों। क्रिटन आपके लिए शानदार फॉर्म में भी हैं और आपके लिए अच्छा प्रदर्शन, टेक्निकल बल्लेबाज है, पहली इनिंग में आप इनको अवश्य ट्राई करके चलें पहला प्लेयर, और अगर इनको ना करें तो एक खिलाड़ी नवनीत दलिवाल को है इसको कर सकते हो, परंतु करना बैटिंग सेक्शन से एक ही को है दोस्तों। अब हम यहाँ पर सुरेश मोहन की बात करें दोस्तों, सुरेश मोहन आप चाहो तो दोनों इनिंग में इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि विकेट कीपर से भी पॉइंट दे सकते हैं। एस वी जफर और रविंद्र पाल सिंह दोस्तों, इनकी अगर बात करें तो दोस्तों करीम साना ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग होती है तो ट्राई करके जा सकते हो दोस्तों। डी हिलिंगरंग दोस्तों पिछले मैच में हमने शानदार दिया था और 2 विकेट लेके गया दोस्तों एक तरफा करके, ये दोस्तों आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 13 रन देकर 4 विकेट दोस्तों। जुनेद सिद्दीकी दोस्तों आप इस खिलाड़ी दोस्तों फर्स्ट इनिंग में ट्राई कर सकते हैं, सेकेंड इनिंग में छोड़ के सकते। जेरी गॉर्डन दोस्तों ये फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम कनाडा की टीम पहले गेंदबाजी करती है तो इनको ट्राई करके जा सकते हो गॉर्डन को दोस्तों। अभी आपको कॉम्बिनेशन दिखाने वाला हूँ दोस्तों, केसना आपको किस तरीके से ओवर डालते हुए दिखते हैं, एक पहला ओवर, तीसरा ओवर, 13वां ओवर, दूसरे मुकाबले में पहला, तीसरा, 17वां, 19वां, के गॉर्डन दूसरा, चौथा, 6वां, 18वां दोस्तों डेथ ओवर्स का गॉर्डन गेंदबाज है दोस्तों। हेलिंगर भी डेथ ओवर्स में आ जाता है, 18वां ओवर डाला, यहाँ 17वां डाला है दोस्तों। एस वी जफर दोस्तों ये आपके लिए कल साबित सही नहीं होने वाले, अगर फर्स्ट इनिंग में कर सकते हैं तो दोस्तों सना की जगह पर आप इसको ट्राई कर सकते हो दोस्तों। सिद्दीकी आपके लिए ट्रंप का काम करके जा सकता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में, स्पिनर्स है दोस्तों, तो इस प्रकार से रहने वाली है। अब हम चलते हैं सीधे फैंटेसी टीम की दोस्तों, पहला कॉम्बिनेशन अगर इंडिया पहले बैट करती है दोस्तों तो इस प्रकार से आप बना करके जा सकते हो। यहाँ पर रोहित शर्मा को मैंने ड्रॉप करके दिया है और विराट कोहली अपनी टीम में है दोस्तों। अगर पहले बल्लेबाजी करती है दोस्तों तो वाइस कैप्टनसी आप विराट कोहली या सूर्य कुमार यादव में से दे सकते हो, अक्षर पटेल को और रविंद्र जडेजा से में किसी को कप्तानी दे सकते हो दोस्तों। पहले बैट करती हो दोस्तों इन चार खिलाड़ियों पर निगाह रखना है, अगर इंडिया पहले बैट करती है तो इन पर निगाह बनाए रखना दोस्तों, और एक्स्ट्रा वाइस कैप्टनसी अगर देखनी है तो कुलदीप यादव अगर खेलते हैं तो आपको लेके जाना है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना। अब कनाडा की तरफ से बात करें तो दोस्तों हेडिंगर को लेना है और गॉर्डन को दोस्तों। अगर हेडिंगर लिंगर को नहीं लेना है तो किस सना को ट्राई करके जा सकते हो और सिद्दीकी को दोस्तों, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सिद्दीकी को लेके जा सकते हो। यहाँ पर आप क्या जसप्रीत बुमराह आपके लिए अगर आप
एक विकेट की उम्मीद करते हो तो जसप्रीत बुमराह को भी ड्रॉप कर सकते हो या हर्षदीप सिंह को भी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे कॉम्बिनेशन की। दोस्तों दूसरी टीम हमारी क्या कहती है दोस्तों, अगर पहले आपकी टीम गेंदबाजी करती है, किसकी टीम, इंडिया की टीम, तो किस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना के जाए, तो आपको कनाडा की तरफ से रखने हैं दो प्लेयर्स, एन क्रिटोन और एस मोबा। दोस्तों इनकी तरह अगर कोई और आपका नहीं मन कर रहा है, जॉनसन को ट्राई करना चाह रहे हो, परंतु मेरे हिसाब से जॉनसन नहीं, आप धलिवाल को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर चाहें कुछ टीमों में धलिवाल को ट्राई कर लेना, कुछ में क्रिटोन को ट्राई कर लेना, इसको आपको दोनों तरफ से पॉइंट दे सकता है। अगर 20 से 30 पॉइंट दे गया तब भी आपके लिए टीम में शामिल, ड्रीम टीम में बन सकता है दोस्तों। यहाँ पर कैप्टन मैंने आपको बना दिया है दोस्तों रविंद्र जडेजा को, रविंद्र जडेजा की जगह अक्षर पटेल पर भी जा सकते हो दोस्तों। वाइस कैप्टनसी दोस्तों यहाँ पर कुलदीप यादव को दे दी है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप, परंतु इस बात को ध्यान में रखें, अगर पहले कनाडा टीम खेलती है तो आपको बैट्समैन से कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं चुन के जाना है, इस बात को ध्यान में रखें। ये कैप्टन आपको नहीं चुनने हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें, तो बॉलिंग से ही आपको कैप्टन चुन के जाने हैं। तो मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो टेलीग्राम से अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री राधे, जय शिव शंभू।